बढ़ते आगे बात कर लेते हैं दिल्ली के प्रदूषण की। देखिए दिल्ली में आज फिर हवा का स्तर खराब श्रेणी में बना हुआ है। बीते दो दिन हुई हल्की बारिश के बाद दिल्ली में प्रदूषण से थोड़ी राहत तो मिली है, लेकिन आज एक बार फिर दिल्ली के कई इलाकों का AQI 200 के पार चला गया है। आनंद विहार में 282, आरकेपुरम में 220, पंजाबी बाग में 236 और ITO में 263 AQI दर्ज की गई है। हल्की फुल्की जो बारिश हुई थी उसके चलते देखिए जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें भारी गिरावट यहां पर देखने को मिली थी, लेकिन एक बार फिर से देखिए दिल्ली की हवा, उसके आसपास के इलाकों की हवा फिर से जहरीली हो रही है। AQI अलग अलग इलाकों का 200 के पार पहुंच रहा है। फिर से ये देखिए अलार्मिंग ये संकेत यहाँ पर हम इसे देख सकते हैं। AQI जो आनंद विहार की अगर बात करें जहां पर आमतौर पर सबसे ज्यादा हवा जो उसकी खराब रहती है वहां पर 282 एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ पर दर्ज किया गया है, यानी अभी एक बार फिर से खतरा मंडराने लगा है। राजधानी दिल्ली में एक लंबे समय के बाद लोगों को प्रदूषण से थोड़ी राहत मिली है। कल हुई बारिश के बाद से AQI लेवल में सुधार आया है। दिल्ली में आज का AQI 206 के आसपास दर्ज किया गया। देखिए संवाददाता अनुष्का गर्ग की ये रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली समेत NCR में रहने वाले सभी लोग बीते कुछ दिनों से प्रदूषण की मार झेलने को मजबूर हो गए थे। जहां हम देख रहे थे लगातार जो प्रदूषण का स्तर है वो 400 से ऊपर गंभीर श्रेणी में दर्ज किया जा रहा था, वहीं कल से दिल्ली वालों के लिए बारिश के होने के बाद से एक राहत भरी खबर है। जो AQI का स्तर है उसमें बहुत भारी सुधार जो है वो देखने को मिल रहा है। राहत की एक तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे अक्षरधाम के उसी फ्लाईओवर से जहां से रोज जो है यहां रिपोर्ट भेजा जाता था और यहां से साफ दिखता था कि किस तरीके से पूरी दिल्ली जो है वो धुंध के चादर के पीछे ढकी हुई नजर आ रही होती थी। साथ ही साथ विजिबिलिटी इतनी ज्यादा कम रहती थी कि गाड़ियों की जो रफ्तार है उस पर भी कहीं ना कहीं ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा था। तो हम देख रहे हैं कि वापस से जो वाहनों की गति है वो कहीं ना कहीं लौटती भी नजर आ रही है और जो AQI का स्तर है उसमें भी भारी सुधार जो है वो देखने को मिल रहा है। आज दिल्ली का जो कलेक्टिव AQI है वो 207 के आसपास दर्ज किया गया है। ये मध्यम श्रेणी में आता है और लगातार अगर हम बीते कुछ दिनों के मुकाबले बातचीत करें तो ये जो AQI का स्तर है वो काफी ज्यादा हम देख रहे हैं कि उसमें सुधार जो है वो देखने को मिल रहा है। ये कहना जो है सेफ रहेगा कि दिवाली के समय तक दिल्ली में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं साफ हवा में सांस लेते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी बारिश के बाद से तापमान में भी भारी कमी जो है वो देखने को मिली है। जहां दिल्ली का तापमान जो है वो 33-34 डिग्री के आसपास रहता था वही आज का जो अधिकतम तापमान है वो 27 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है। जो अधिकतम तापमान होता है उससे 3 डिग्री कम ये तापमान दर्ज किया गया है और लगातार इसी तरीके से कल से ही हम देख रहे हैं ठंड जो है उसमें भी इजाफा देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया था कि नवंबर के दूसरे हफ्ते से दिल्ली में ठंड जो है वो दस्तक दे सकती है और लगातार हम देख रहे हैं दिल्ली में जो तापमान है वो भी गिरता हुआ नजर आ रहा है। अनुष्का गर्ग, जी मीडिया, दिल्ली। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं विजय चौक से। हमारी सहयोगी अनुष्का गर्ग हमें रिपोर्ट कर रही हैं। अनुष्का, वेरी गुड मॉर्निंग। और सबसे बड़ी बात यह कि जो हमने रिपोर्ट आपकी देखी, देखिए तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, जो हल्की फुल्की बारिश हुई है उससे AQI भी काफी बेहतर हो गया था। कल तक कई इलाकों में 100 से कम था AQI, लेकिन एक बार फिर से एयर क्वालिटी अब बिगड़ रही है। बिल्कुल, सुबह सुबह जो रिपोर्ट हमने की थी उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा था कि जो AQI है वो 206 के आसपास दर्ज किया गया था, लेकिन अब जब देखा जा रहा है जो रीसेंट डेटा है उसके मुताबिक जो AQI है वो 224 के आसपास पहुंच गया है। तो एक चिंता का विषय बनता है कि जहां पर लोगों को एक दिन के लिए राहत मिली थी, क्या एक बार फिर से प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ जाएगा तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कल ही दिवाली जो है वो मनाने वाली है और साथ ही साथ पर्यावरण मंत्री गोपाल राय कुछ कह रहे हैं जिनको मुख्य तौर पर हम व्हीकल पोल्यूशन, गाड़ियों के प्रदूषण के से होता है, डस्ट पोल्यूशन से होता है, बायोमास बर्निंग के पोल्यूशन से होता है, पराली का पोल्यूशन है, पटाखों का पोल्यूशन है। तो वो सोर्स जितने थे वो लगातार हम कम कर रहे थे, लेकिन वो नीचे सतह पे ही रह रहे थे, उन डिस्पर्सेंस रुक गया था। ऐसे में बारिश होने के बाद से वो डिस्पर्स हुआ है और कल हवा भी चली है, उसका परिणाम ये है कि जो 450 तक प्रदूषण का स्तर था वो अब घट करके आज सुबह 225 है। यानी अगर हम देखें तो 50% जो है वो प्रदूषण का स्तर अभी जो दिल्ली में बढ़ा था वो कम हो गया है। लेकिन अभी जो स्थिति है कि इस बारिश का कितने दिनों तक इम्पैक्ट रहेगा अभी ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा, इसलिए दिल्ली के सभी लोगों से मेरा निवेदन है, मैं अभी कई लोगों से बात कर रहा था तो लोगों ने कहा अब तो प्रदूषण कम हो गया, आप कोई चिंता करने की बात नहीं है।
Z News.